हरियाणा के फरीदाबाद में कई बदमाशों ने 12वीं क्लास के छात्र का अपहरण कर लिया और मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। बाद में बदमाश छात्र को अधमरी हालत में पहलादपुर मोड़ के पास कच्चे रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने येल कक्षा के छात्र को बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। घायल 17 वर्षीय 12वीं के छात्र भरत मां मंजू ने बताया कि उनका बेटा भरत घर से अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर किसी काम के लिए निकला था। रास्ते में कुछ बदमाश आए जिन्होंने उनके बेटे और उसके दोस्त की बाइक रुकवा ली और उनके बेटे को गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए। लड़का आज में क्या नाम है इनका? भारत। कितने उम्र? 17 साल में चल रहा। हुआ क्या है, पूरी घटना बताएं आप। घटना जी कुछ नहीं, इनको आपस में मवाद हो गया लड़का को और इनको कब हुआ था वो मुवाद जो हुआ था झगड़ा? 15-20 दिन पहले। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं वो? फतेहपुर के हैं जी। दीग फतेहपुर पास पास ही गांव है। हाँ जी, पास पास ही। तो आज क्या हुआ फिर? आज कुछ ना हुआ, लड़का कुछ काम के जा रहा, नहर पे पकड़ रास्ता में पकड़ कर ले गए लड़का। बाइक पे था ये? हाँ, 3 जने। अच्छा, वो किस पे थे जो आए थे? वो गाड़ी में। तो बाइक से उतार के गाड़ी में डाल के ले गए? पहले बैग में टक्कर मारी, ये गिर गए और हम। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव मोड में आ गई और उनके बेटे की खोज और आरोपी की तलाश में जुट गई। लेकिन बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। कुछ देर बाद छात्र भरत पहलादपुर के पास कच्चे रास्ते में लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। क्या ये गाड़ी में गिर के ले गए? 8 जने। 8-10 जने थे? 8-10 जने। किडनैप करके मारा बेटे को? किडनैप करके मारा। क्या करता है बच्चा? रास्ते में जा रहा है। करता क्या है बच्चा? पढ़ाई कर रहा है। 12वीं कक्षा में? 12वीं। पेपर है इसके 5 तारीख को? 5 तारीख पेपर है। तो छोटी मोटी कहाँ सुनी हुई थी बच्चों बच्चों में? क्या वो भी पढ़ते हैं? गाँव के हैं वैसे? नहीं, वे नहीं पढ़ते, वे तो बाहर से। बदमाश किस्म के हैं? क्या चाहते हैं आप? थाना सदर बल्लभगढ़ प्रभारी बसंत कुमार ने बताया कि 17 वर्षीय किशोर भरत का आरोपी सागर से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। पुरानी रंजिश के चलते आज भरत पर हमला हुआ है। घायल के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, जो भरत है, इनकी पहले से लड़ाई चल रही है सागर वगैरह से, जो इसने फतेहपुर में जाके झगड़ा किया था, आज इनका फिर से झगड़ा हुआ है। बाकी जो आप कह रहे हैं, बाकी सभी तथ्यों की अभी जांच की जा रही है, मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई होने लगी। कितने लोग थे मारने वाले? अभी 3 लोगों के नाम हमारे सामने आए हैं, बाकी 2-3 अन्य ये बता रहा, बाकी जांच जा रही है। अभी हालत कैसी है जो घायल है? हालत नॉर्मल है, ठीक है। कितनी उम्र है अगर बात करें तो इसकी, और कितनी चोटें हैं इसको? 17-18 वर्ष है, बाकी एक्सरे के बाद चोटें सामने आएंगी, अभी हालात उसके नॉर्मल। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं पुलिस भी बदमाशों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इस तरह के हादसों से बचने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।